डेली जो है मतलब इतना बजट नहीं हो पा रहा है कि बाइक जो है रिपेयर कराएं वापस कराएं, बट ऊपर से ये मतलब फालतू का चलान हो गया। गाइस वंस अगेन बाइक गई थाने भाई, गई थाने भाई, जा रहा हूँ थाने। तो मैं पापा से बात कर रहा था, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं उनको बोल रहा था कि ऐसे मतलब ऐसे नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पहले इतना एक्सपेंस हो रहा है, अभी वो टूट गया। मगर उन्होंने एक बात बोली थी, तू टेंशन ले रहा है, मैं हूँ ना। सो फाइनली गाइस अभी थाने के बाहर वेट कर रहे हैं, सो अब जैसे कुछ होगा फिर चलते हैं अंदर और बाइक रिलीज करवाते हैं भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेपी व्लॉग्स। क्या हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, क्योंकि मैं गाइस बढ़िया नहीं हूँ, क्योंकि ये चेक कर रहे हो हाथ का हाल। सो गाइस कुछ ये है हाथ का हाल, और ऐसा ही कुछ है गाइस पैर का हाल। सो गाइस अभी बाइक आपको दिखाऊं तो वो चेक करो, पुर्जे खुले पड़े हैं, ऐसा ये मतलब पार्ट्स ऐसे खुले पड़े हैं बाइक के। सो अभी मैं जाऊंगा देखूंगा भाई, घुमट से घुमट जाके बाइक लगाऊंगा भाई, मतलब हैंडल भी टेढ़ा हो चुका है, ये फेयरिंग के लॉक्स वगैरह जो है ना यहाँ वाले, सो वो लॉक्स वगैरह टूट चुके हैं। सो और पता नहीं गाइस क्या क्या होगा, उसका जो नीचे वाला हुआ ना गियर लीवर गाइस टूट चुका है, देन उसके बाद टेपिंग वगैरह तो सारी हमने करवाई थी, रैप वगैरह वो सारा गाइस मतलब स्क्रैच हो चुका है, शीशा गाइस पता नहीं कहाँ गिरा है, बुरे हाल भाई बुरे हाल। अभी घर पे ना एक्चुअली कोई है नहीं है, सो अभी मैं जो है अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने वाला हूँ, सो जो कि होगा मैगी और साथ में कॉफी वगैरह, सो लेट्स सी क्या बनाते हैं। एक साइड मैगी रेडी है, मैं खाता हूँ फिर निकलते हैं गाइस यहाँ से। सो गाइस अभी आबिद भाई को कॉल आया, कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं उनको बुला लेता बिकॉज ना अभी जाऊँगा और बाइक जो है भैया पिक्की भाई को देके आएंगे, उसके बाद आबिद भाई के साथ ही जो मैं वापस आ जाऊँ, बाइक हमारी वहीं पर रहे, बिकॉज अभी इसमें ना काफ़ी ज़्यादा काम होना है, बिकॉज इसकी साइड की फेयरिंग, उसके साथ जो गियर लीवर्स वगैरह वो, और हाथ का हाल गाइस कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ना, ये जॉइंट जो है ना, ये जॉइंट जो है ये पेन कर रहा है बहुत ज़्यादा, ऊपर से थोड़ी सी जो है लेग में लगी है। सो बाकी सीन सारा सेट है, सो लेट्स सी अब आबिद भाई जैसे आते हैं ना सो आपको मिलवाते हैं और चलते हैं फटाफट यहाँ से। घूम खड़ी है हमारी बाइक और गाइस देखने का मन नहीं कर रहा उसको यार। ले गए आबिद भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं, सो हाथ का हाल देख रहे हो मतलब क्या हो रहा है, अरे अरे हमारे भाई द ग्रेट खली। सो गाइज मतलब सामान वगैरह सारा मैंने पिक्की भाई को कॉल किया, सो पिक्की भाई कह रहा है तू आ जा, सो ये मिरर तो या ना ये वाला कह रहे हैं वो भी तेरे को करवा दूंगा अरेंज, बाकी जो है ये ना इसके लॉक्स टूट गए, सो अब ये पता नहीं कि यार नया डलेगा या इसका कुछ करेंगे, बट इसका कुछ पता नहीं है, बट अभी ना भाई हाथ की बुरी हाल हो रही है और भाई ये जगह ना थोड़ी सी ज़्यादा पेन कर रही है, सो ये चेक कर रहे हो मतलब एक साइड ब्लैक एक साइड रेड, भाई समझ ही नहीं आ रहा कुछ कि कल हुआ क्या भाई, आधी चीज़ें तो गुम ही हो गई हैं भाई, जैसे कि वो नीचे हमारा गियर लीवर, सो वो भी नहीं पता चल रहा भाई किधर है। सो अभी चलते हैं फटाफट और भाई स्टे ट्यून। पहले गाइस ये जो लॉक है ना सो यहाँ पे से फिक्स कर देते हैं इसको यार, मतलब ऐसे करके, सो जो थोड़ा लेके जाने में आसानी होगी, बाकी तो कुछ फिट होगा नहीं, सो बस यही ये देख रहे हो मतलब ये पूरा ऐसे है, सो अभी इसको ले चलते हैं यहाँ से सीधा घुमट। गाइस मतलब अपना चेक कर रहे हो इस लात के भरोसे ना गाइस अभी बाइक चल रही है, सो अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से सीधा चलते हैं घुमट, और भाई आबिद भाई मेरे को आ गए हैं लेने, बिकॉज क्या पता अगर इस बाइक को ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये बाइक जो हम वहीं पे छोड़ेंगे और भाई आबिद भाई के साथ मैं घर आ जाऊँगा भाई, तो अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से। वही तो आई डोंट नो गाइस कि आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, ये चेक करो मतलब हमारी बाइक ना इस टाइम फोर्थ गियर पे है, और फोर्थ गियर बाइक में बाइक लेके जा रहा हूँ घुमट, और ये पैर देख रहे हो कैसे ऐसे, बस यही पैर ऐसे ही लमकाया हुआ, और भाई मतलब बहुत गलत सीन है, और गाइस मेरे को ये भी नहीं पता कि इसमें फ्यूल भी है कि नहीं है भाई, अभी ना इसमें पेट्रोल भी नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है कितना पेट्रोल है, अभी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी घुमट, सो बस यार पहुँच जाए एक बार घुमट ना, सो काम वगैरह हो जाए, क्योंकि घुमट में नीचे ना पेट्रोल पंप है, सो वहीं से हम तेल वगैरह जो है फिल करवा लेंगे। भाई सीन है भाई, मतलब इतनी ज़्यादा पेन कर रही है ना हाथ इस टाइम, मतलब पूछो मत। ओहो भाई क्लच भी ना प्रॉपरली प्रेस नहीं हो रहा मेरे से, सो भाई फोर्थ गियर में बाइक चल रही है, और बाइक की ना भाई इस टाइम लग रहा है तगड़े वाले बाइक के, बट क्या करूँ गाइस पहुँचानी तो है ही है ना भाई किसी ना किसी तरीके। ये देखना भाई जा लेने दो सर, भैया रुक जाओ, चलो भाई। तो कैसे भाई हम पहुँच चुके हैं विक्रम चौक, सो यहाँ से बस थोड़ा सा भाई दूर रह गया, और भाई मतलब हालत ख़राब हो चुकी है चला चला के, एंड गाइस झटका बज रहा ना गाइस जैसे पैर पे और हाथ पे, सो भाई मतलब फट रही है तगड़े हिसाब की भाई। ये देख रहे हो ये ऐसे में बस इस फिंगर से मैं प्रेस कर रहा हूँ उस क्लच को, ज़्यादा क्लच ना प्रेस भी नहीं हो रहा, वो देखो ये फिंगर है ना वो फिंगर से प्रेस कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे करके, ये मतलब पाम जो है ना गाइस वो नहीं सही बैठ रहा भाई, उस पर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा गाइस। एक तो ये जाम ऊपर से इसका चौथा गियर भाई,
ये देख रहे हो कितना स्ट्रेस देना पड़ रहा है बाइक को भाई खींचने के लिए। भाई नंबर प्लेट पीछे वाली है नहीं है, अगर किसी ने रोक लिया तो भाई अलग सीन पड़ेगा। जाने दो चाचा चाचा, सभी फटाफट चलते हैं। ओ फक, ओए होए होए होए, जैसे जंप बज रहे हैं ना भाई, तगड़े साफ के लग रहे हैं। फाइनली रीच्ड गुम्मट, ओहो खुल गई किसी की बाइक यहाँ पे। सो गाइस, ओहो भाई साहब बाइक लगा दो यहीं पे साइड पे। चलो चलते हैं पार्ट्स करवाते हैं। ठीक है ये चेक करो भाई हाथ का हाल, और वो चेक करो भाई बाइक का हाल। पीछे नंबर प्लेट टूट गई, वो चेक कर, मतलब तबाही हुई, तबाही हो रखी है यार। फाइनली गाइस मतलब आगे ना, आगे का मतलब शूज़ वगैरह हैं वो भी पूरे मतलब कह रहे हैं कि ख़त्म हो रखे हैं, जिसकी वजह से कल हमारा एक्सीडेंट हुआ था। सो वो भी चेक करवाते हैं। उसके बाद भाई हमने गियर लीवर ऑर्डर किया, सो वो देते हैं एक, और भाई वो साइड वाला मिरर है ना वो भी आ रहा है। फाइनली गाइस हमारे न्यू वाले डिस्क पैड आ चुके हैं, उसे चलते हैं फटाफट इसको इंस्टॉल करवाते हैं। और वो जो मैं मिरर दिए थे ना वो ब्लू वाले, सो वो एक और देना ठीक है, एक पीस, सो वो भी चलते हैं। सो गाइस अभी हम डलवा रहे थे, बट क्या करते भैया केटीएम के नहीं है, ये रश पड़ गया, चलो चेंज करवाते हैं, लेट्स गो। तो गाइस ये आ गए हमारे ओरिजिनल वाले। सो गाइस चलो गाइस ये आ चुके हैं हमारे नए ओरिजिनल वाले, सो ये डलवाते हैं। चलो भाई हाथ का हाल देख रहे हो भाई, मैं तरस आ रहा अपने आप पे भाई, बाइक को देख के तो और ज्यादा तरस आ रहा भाई। सो अभी सो गाइस अभी ये सारा सेट करवाते हैं, देन इसके बाद ना गियर लीवर मंगवाया, तो गियर लीवर इंस्टॉल करवाते हैं, देन उसके बाद जो साइड मिरर ना वो भी आ चुका है, वो भी इंस्टॉल करवाते हैं। सो फाइनली गाइस काम चल रहा है भाई ना, अभी मैंने अपना वो गियर लीवर वगैरह मंगा लिया। सो ये आ चुके हैं हमारे गाइस गियर लीवर, सो ये चेक कर रहे हो भैया ने हमें फिर से एक बाइक करा के दे दिया, देख रहे हो कार्बन टेक्चर कर दिया। और ये गाइस हमारे आ गया गियर लीवर, और ये आ गया इसका पिन लॉक, थैंक यू। चलो गाइस सो ये आ गया हमारा सारा सामान वापस, तो वापस से भाई बाइक हमारी तबाही सीन तैयार होगी, टेंशन नहीं लेनी गाइस। मतलब मुझे पता है मैंने कितने प्यार से ना ये पूरी बाइक मॉडिफाई करवाई थी, जो रैप रूप करवाया था ना गाइस कितने प्यार से करवाया था। अपना सीन समझ नहीं आ रहा बिकॉज भाई ये भी बहुत एक्सपेंसिव पार्ट है, इसके लॉक्स वगैरह टूट चुके हैं, चेक करो। सो अब समझ नहीं आ रहा किया गया, वो कह रहे हैं नया डलेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही डल जाए तो ठीक होगा, बिकॉज बाकी मॉडिफिकेशन भी करवानी है, एक्स्ट्री किट भी इंस्टॉल करवानी है गाइस, बहुत ज़्यादा काम है। सो लेट्स सी क्या होता है, अगर तो हो गया गाइस यही इंस्टॉल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जो हमें फिर से ये भी नया डलवाना पड़ेगा, ऊपर से एक्स्ट्री किट भी डलवानी पड़ेगी, बट होप फॉर द बेस्ट। बाकी अभी तो काम वगैरह चल रहा है, सो चलते चलते भाई अभी पीछे नंबर प्लेट के लिए भी भाई सीन करवाना है कुछ, वो नंबर प्लेट भी बनवानी है। तो मेरे ख्याल से ना मुझे नंबर प्लेट ना आरटीओ में वापस अप्लाई करनी पड़ेगी, नई नंबर प्लेट, सो नई नंबर प्लेट आएगी उसके बाद ही लगाएंगे। सो लेट्स सी अब क्या रहता है यार आगे का सीन। और ये चक्कर बहुत दुख है भाई, भाई अभी हल्की ढूंढता था मिल नहीं रही थी भाई, ये लो जो हल्की चाहिए निकाल लो उसमें से, सारा सामान पड़ा, टेंशन लेनी। बस यहाँ पे ना सारा जैसे फ्रंट व्हील जो है वो ओपन होगा, जिसकी कैलिबर्स वगैरह, सो उसमें से जो है अपने जो है गियर, वो जो न्यू ब्रेक शूज है ना वो वाले वो चेक कर रहे हो, वो डालेंगे। सो अभी खुल रहा है पूरा यार, भाई साहब ये हॉल चेक करो, प्लेट उड़ा, कुछ नहीं बचा, ये प्लेट उड़ रही है ये देखा ना, हाँ ओ भाई साहब, मतलब भाई ये चेक कर रहे हो क्या हाल हो गया ब्रेक शूज का, ये चेक करो भाई, तो भाई गाइस अभी हमारा गियर लीवर जो है गाइस वो डल रहा है, सो भाई वो चेक करो यार हमारा टूट गया था, तो गाइस अभी गियर लीवर डल चुका है, सो बस नीचे पिन लॉक लगाएंगे, उसके बाद भाई हमारा सीन सेट रहेगा भाई, मतलब जो मेजर प्रॉब्लम्स थी ना सो वो ठीक हो जाएंगी, उसके बाद आगे ऊपर किट वगैरह लगाएंगे आज। सो गाइस हमारा मतलब गियर लीवर भी गाइस डल चुका है, सो बाकी बस ये फिट करवाते हैं फिर आपसे मिलते हैं एक ही बार। सो फाइनली गाइस मतलब फेयरिंग वगैरह भी जो है डल चुका है, अब चेक कर रहे हो मतलब ये सारी सीन सेट हो रहा है, और नीचे ना नट्स वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं। सो भाई अब हमारा स्टैंड भी जो है वो एक्यूरेट हो गया, और उसके बाद गाइस हमारा क्या बचता है, हमारे बचते हैं गाइस एक्स्ट्री किट। गाइस मतलब पता है सीन क्या है इस टाइम, सो बाइक ना मतलब पूरी तरह से टोटली मतलब फेयरिंग इसका ख़त्म हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि भाई अब मैं ना मैं एक जगह स्टॉप हो जाऊँ, क्योंकि आप लोग ना स्टॉप नहीं, आप लोगों की वजह से ना स्टॉप, आप लोग स्टॉप नहीं होने देते यार, तो मैं ना हर टाइम मोटिवेटेड रहता हूँ। तो कल ये इंसिडेंट हुआ ना, तो उसके बाद भाई मुझे आदित्य भाई ने समझाया, उसके बाद ना पापा ने भी समझाया, तो मैं पापा से बात कर रहा था, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं उनको बोल रहा था कि ऐसे मतलब पैसे नहीं है कुछ नहीं है, मतलब पहले इतना एक्सपेंस हो रहा है अभी और टूट गया, मगर उन्होंने एक बात बोली थी, तू टेंशन ले रहा है मैं हूँ ना। तो गाइस बस अब ना बाइक होने वाली है गाइस फुल्ली रेडी, तो अभी ना अंदर से बाकी सामान भी आ रहा है, तो सब कुछ डलेगा भाई, मतलब जब किसी के डैड की सपोर्ट होती है ना भाई, वो बंदा नहीं रुक सकता, बाकी जो मर्जी कर लो, तो
अभी भाई अंदर से सारा सामान आ रहा है, तो भाई अब सब डलेगा और भाई बाइक ना एकदम ए क्लास तैयार होगी। बस चेक दिस आउट, कुछ ऐसी एक्स्ट्री किट है हमारी इस टाइम, चेक कर रहे हो मतलब क्या तबाही लुक आने वाला है इसका ना भाई, क्या ही बताऊंगा आपको। फाइनली गाइस यहां से निकल चुके हैं और भाई गियर डल में अभी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब चेक कर अभी तक ये सेट नहीं बैठा हुआ। सो लेट्स सी इसका क्या सीन रहेगा। अभी जा रहे हैं गाइस आज ना बाइक वॉश वूश कराने का इस प्रॉपरली। सो अभी यहाँ से जाएंगे सीधा वॉशिंग सेंटर, वहाँ पर वॉश वूश कराएंगे बाइक। ओ ब्रो भाई लौंडा रेस लगाना चाहता है। ओए ओए थाने के बाहर वेट कर रहे हैं। सो अब जैसे कुछ होगा फिर चलते हैं अंदर और बाइक रिलीज करवाते हैं भाई। माना भाई गलती है, मतलब नंबर प्लेट ना टूट गई थी भाई, अब कुछ नहीं बोल सकते भाई। बाइक रिलीज हो चुकी है, सो मतलब उन्होंने चलान वगैरह कर दिया। सो गाइस हमारी ही गलती थी, सो मेरी नंबर प्लेट टूट गई थी गाइस। सो इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं भाई, हमारी गलती थी, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। सो अपना सर्वे कर रहे थे, वो अपने राउंड पे थे, तो उन्होंने देखा बाइक, तो भाई उठा ली बाइक। तो भाई वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमारा अच्छा काम उन्होंने ये किया कि भाई आराम से उनसे बात की, तो भाई देखो ना उन्होंने सीज किया ना कुछ किया, जो चलान बनता उन्होंने किया और छोड़ दिया। जैसे कि आपको पता है कि यार मतलब ना बाइक ना मतलब फिर से थाने चली गई थी, बट भाई गलती जो है ना भाई हम नहीं कह सकते, उनकी गलती हमारी भी थी। बिकॉज बाइक ना मेरी बाइक की जो पिछली नंबर प्लेट थी ना गाइज वो टूट चुकी थी और मैंने गाइज नहीं लगवाई। सो मैं सिर्फ फ्रेम का वेट कर रहा था, मैंने कहा लगवा लेते हैं, बट मेरी थोड़ी सी गाइज इरिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वजह से जो है आज जो है बाइक जो है उन्होंने पकड़ ली थी। सो उन्होंने जो है लॉ के अकॉर्डिंग जो है मेरी बाइक का चलान किया, सो मेरे को चलान दिया। सो कल जाके गाइस चलान वगैरह भुगतेंगे। सो भाई मेरी गलती है, उनकी गलती भी नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। सो भाई जो भी हो गाइस हमेशा ना कोऑपरेट करो पुलिस वालों के साथ। सिर्फ इतना है कि ना भाई मतलब पहले ही बाइक का जो है इतना नुकसान हो रखा है, पहले ही जो है मतलब इतना बजट नहीं हो पा रहा है कि बाइक जो है रिपेयर कराएं वापस कराएं, बट ऊपर से ये मतलब फालतू का चलान हो गया। सो भाई हम ना वहाँ पे सिर्फ खड़े थे, सो हम कुछ कर भी नहीं रहे थे, या तो हम बाइक चला रहे हों या फिर कहीं नाका हो, हम सिर्फ साइड पे रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे, वहाँ चाय वगैरह पी रहे थे, तो इसलिए हमें वहाँ पे फ्लाइंग वगैरह आ गई और अपना बस मतलब चेकिंग वगैरह कर रही थी, बट उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुलिस है भाई, लॉ है। सो उसके अंडर जो जो सेक्शंस के अकॉर्डिंग वो हमें चलान कर सकते थे। सो उन्होंने जो है आधी बाइकें सीज की हैं, मेरी बाइक का उन्होंने चलान किया बिकॉज डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ओके थे और सिर्फ एक जो है मेरी नंबर प्लेट नहीं थी। बट जो भी है भाई चलान तो है, यह अमाउंट पूछा भाई उसका 2000 रुपये का कंपाउंड होता है। सो अब लेट्स सी कि क्या होता है भाई कोर्ट में जाके, वो अलग रफड़ पड़ गया। बट भाई मतलब हर चीज़ ना मतलब ख़राब ही हो जा रही है। बाइक अभी अभी जो है अपने पर देखा, मैंने थोड़ी बहुत ही ठीक कराई है, किट वगैरह लगवानी थी, बट अब जो है भाई अभी चलान करूँ वो करूँ समझ नहीं आ रहा भाई, मतलब पूरा दिमाग ना भाई ख़राब हो रखा है इस टाइम पर।